सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आपका अपना साहिल गेरा, 12:30 और डेट है आज 23rd of August। जी हाँ, आज अपने पास एक ऐसी चीज़ है अनबॉक्सिंग करने के लिए जो हर किसी को पसंद आने वाली है। वो एक है बैग, और वो मैं लिख के दे सकता हूँ, जो भी ट्रैवलिंग करता है, जो भी घूमने का ज़्यादा शौकीन है, लैपटॉप वगैरह ये सब रखने के लिए, एसेसरीज़ वगैरह रखने के लिए, वो उन लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलो जी, आज आपको करते हैं अनबॉक्सिंग, कुछ दिखाते हैं आपको अच्छा सा सामान क्या मंगवाया है अपने पास। और ये मेरे पास बहुत पहले आ चुका था, बट इसकी अनबॉक्सिंग अभी करने वाले हैं। मुझे इसका वेट था कि बर्थडे पे आ जाएगा, बट ये बर्थडे तक नहीं आ पाया था। तो कोई बात नहीं है जी, अब अपन इसकी कर देते हैं अनबॉक्सिंग, लेट्स गो जी। अब करते हैं अनबॉक्सिंग, क्या है अपने पास, क्या चीज़ है आज अपने को अपन सब बता ही देते हैं जी। ये मैंने मंगवाया है कार्बनाडो का बैग जी। ये आगे से हार्ड शेल होता है, बाइक अगर आप गिर जाते हो, बाइक से कुछ भी होता है, तो आपके अंदर इसके अंदर जो भी रखा है, कैमरा लैपटॉप वगैरह, इसमें कुछ टूटने का सवाल ही नहीं है। तो अब अपन स्टार्टिंग करते हैं, इसकी क्या क्या फ़ीचर्स है, कितने लीटर का है, ये सारा कुछ आओ आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी करते हैं बड़ी वाली पॉकेट ओपन। भाई लुक, कितना बड़ा बैग है, और ये फुल इतना खुल जाता है ये। और अगर आप इसमें से ये लॉक हटा देंगे, ये वाले ये लॉक हटा देंगे, तो ये बिल्कुल ही अच्छे से ओपन हो जाएगा लुक। अब आओ आपको बताते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या रख सकते हो आप इसमें, क्या नहीं रख सकते। आपको इधर में एक पॉकेट दिख रहा होगा, ये है लैपटॉप पॉकेट। ये साथ में इसमें एक और पॉकेट दी है चार्जर वगैरह रखने के लिए। ये साथ में एक चेन वाली पॉकेट भी दी है, पेन ड्राइव वगैरह और ये सारा कुछ नॉर्मल छोटी एसेसरीज रखने के लिए। उसके बाद अपने को एक और पॉकेट मिल जाती है नीचे, ड्यूल टोन पॉकेट है। यहाँ आप साइड में भी छोटी मोटी डाटा केबल्स वगैरह, यहाँ चार्जर्स वगैरह रख सकते हो आप अपना। और ये इसमें हेडफोन के लिए भी स्पेशल स्पेस दिया हुआ है कि आप अपने इसमें हेडफोन्स वगैरह रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं जी इस साइड की। इस साइड में भी आपको दो पॉकेट मिल जाती है टनल ब्लैक में, ये नेट पॉकेट्स हैं। यहाँ दो पॉकेट मिल जाती है, पीछे में एक बड़ी पॉकेट मिल जाती है आपको देखने को। बाकी वाओ, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसमें ना अंदर अपना पावर बैंक लगा के छोड़ सकते हो, जो आपको आगे से इस साइड से, जो आपको बाहर इस पॉकेट में एक आपको चार्जिंग का सिस्टम मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें दो पोर्ट्स हैं जी, एक तो है सी टाइप पोर्ट, एक है इसमें USB 3.1 का पोर्ट। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी चीज़ लगी है इसमें। साथ ही साथ में आपको दिया हुआ है इसमें एक और पॉकेट साइड में। वाओ, इसमें आप अपनी बॉटल रख सकते हो नीचे में, तो चाहे गर्म हो चाहे ठंडी हो, वो इसमें 4 से 5 घंटे तक सेम टेम्परेचर की रहेगी। तो ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगी कि अपना ठंडा पानी रखा और डाल के भूल जाओ। छोटी सी ऊपर भी पॉकेट दी है। वाओ, ये दिखने में बहुत छोटी है, बट है बहुत बड़ी है। इसमें आप अपने छोटे मोटे एयरपॉड्स वगैरह सारा कुछ रख सकते हो। साथ में भी आप अपना एक इसमें सनग्लासेस भी रख सकते हो। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा जी इसमें। मुझे तो लिटरली ये बहुत अच्छा लगा बैग पहन के, मैंने चेक किया था, बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है। और इसमें एक बैक में भी पॉकेट दी है, वो भी चेक कर लेते हैं वो किस चीज़ की पॉकेट है। वाओ, आपको एक पीछे भी एक्स्ट्रा पॉकेट मिल जाती है, दैट्स वेरी नाइस। इसमें भी आप अपना लैपटॉप रख सकते हो। इसमें दिया हुआ है इलास्टिक की, जिससे आपका लैपटॉप जब आप लगाओ तो उसमें हिले ना, दैट्स वेरी नाइस। तो इसका है ना, ये है हार्ड शेल, और इस पर स्क्रैच लगने का डर रहेगा ज़्यादा। तो मैं अभी एक फ्रेंड से बात हो चुकी है, समीर आर्ट, अभी अपन इसको वहीं लेके चल रहे हैं। इसके ऊपर करवाएंगे लेमिनेशन और कुछ करवाएंगे इसके ऊपर प्रिंट। सोचो क्या मैं प्रिंट करवा सकता हूँ इसके ऊपर, तो मुझे ज़रूर से बताना कि अपन ने क्या प्रिंट कराया होगा देखने से पहले। बाकी प्रिंट हो जाएगा तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देन उसके बाद चलेंगे सीधा राइड पर। तो चलो अभी चलते हैं इसको मेरे फ्रेंड के पास लेके, कुछ काम करवा लेते हैं। क्या क्या अपने को इसके ऊपर कराना है, मेन तो मेरे को लेमिनेशन करानी है, कुछ स्टिकर करवाना है, तो जल्दी से चलते हैं। तो भाई जो काम करवाने आए थे वो हो चुका है, और अब मेरे को ये बताना कि आपको ये बैग कैसा लग रहा है जी। कुछ लोगों तो बनता ही था हमारा। सो चलो जी, अभी हो गया निकलने का टाइम, आपके लिए गेट्स वगैरह रेडी करके बस निकल रहा हूँ। आज का शेड्यूल लिटरली बहुत ज़्यादा बिजी था, बट फिर भी अपन निकल रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपनी बेबी को वार्म अप कर लेता हूँ।
जैसा कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि अपने को पेट्रोल नहीं मिल रहा था, तो ये आप चेरी कैंस देख रहे हो जी। ये चेरी कैंस मैं अछनेरा से भर के लाया था भाई, यूपी से जाके। सो वार्म अप हो चुके हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। आज मेरा मन है कि थोड़ा लॉन्ग राइड ही मार के चलूँ, तो आज अपन थोड़ा सा बाईपास से होते हुए चलेंगे, जयपुर बाईपास से। क्योंकि मैंने ना बहुत दिन हो गए बाइक अच्छे से चलाई नहीं है, तो आज अपन अच्छे से बाइक राइड करके आएंगे। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 किलोमीटर तो भाई चलाऊंगा आज मैं। वाह भाई वाह, इसको चलाने के बाद ना जो मज़ा आता है मेरे को लाइफ में, ऐसा लगता है कि कुछ चाहिए ही नहीं, बस मेरे को मेरी भूसा चाहिए। ऑल द टाइम मेरे नीचे मेरी भूसा रहनी चाहिए बस। बट क्या करूँ यार, पेट्रोल इतना महंगा है और भी काम करने पड़ते हैं, साथ में पापा के साथ बिजनेस पे भी बैठना पड़ता है। क्या किया जाए क्या ना किया जाए कुछ समझ नहीं आता कभी कभी, बट आप लोगों के लिए फिर भी टाइम निकाल के मैं करता हूँ यार। और आप लोग फिर भी मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते यार, थोड़ा तो सपोर्ट करो, छोटे भाई को प्यार दो यार। मतलब आपके छोटे भाई को बस प्यार की नीड है और किसी चीज़ की नीड नहीं है यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ अपने भाई के लिए। अगर मेरे व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे को बताओ और शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर कुछ कमी रह जाती है मेरे व्लॉग्स के अंदर तो प्लीज़ मेरे को बताओ, लेट मी नो, कि मेरे को भी पता लगे कि मेरे व्लॉग्स में क्या कमी है क्या नहीं है, तो जिससे मैं कुछ चेंज कर पाऊँ। ये आ गया भाई अपना सेवर टू सारस वाला रोड, सरसों अनुदान केंद्र। आए मेरी बेबी क्या मजा देती है यार। बस थोड़ा यहाँ ध्यान से चलानी पड़ती है, कभी भी कहीं से भी लोग आ सकते हैं, तो बस कुछ आपको कल की बात शेयर करता हूँ। कल था भाई रक्षाबंधन और मैं परसों इतना घूमा कि मेरे को पेट्रोल नहीं मिला ढूंढने से भी भाई, और इतना दुखी हो गया कि मैंने, मेरे एक फ्रेंड है जिसका पेट्रोल पंप है, मैंने उसको काफ़ी फ़ोन किया भाई कहीं से जुगाड़ करवा कहीं से जुगाड़ करवा। बट राजस्थान में एक्चुअली दो रीजंस हैं, एक तो पावर पेट्रोल की सेल नहीं है, दूसरा खास करके हमारे यहाँ पर मतलब आई मीन भरतपुर में, क्योंकि यूपी ज़्यादा दूर नहीं है यार, लोग वहीं से ही लेके आते हैं पेट्रोल डीजल चाहे कुछ भी हो। क्यों भाई, 10 से 12 रुपए लीटर का फ़र्क है, तो हर बंदा यही सोचता है कि चलो वहीं से डलवा के लाएंगे, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा और सस्ता तो है ही है खैर आखिर डीजल और पेट्रोल दोनों। तो इस कारण से भी भरतपुर में पावर पेट्रोल नहीं आ पा रहा है, जितने भी यहाँ पेट्रोल पंप से जहाँ जहाँ पावर का मिलता था वहाँ सब जगह ट्राई कर लिया नहीं मिला, और लास्ट में आके अपन गए भाई सीधा अछनेरा। अपन गए तो आगरा रोड पर थे, आगरा रोड पर अपन ने काफ़ी पता किया कि कहीं पेट्रोल मिल जाएगा मिल जाएगा। आखिरकार एक HP पे एक बंदा मिला, बहुत बढ़िया बंदा था, शायद वो मेरे व्लॉग्स देख रहा होगा क्योंकि उसने चैनल सब्सक्राइब कर लिया था। तो उसने बोला कि भैया आप अछनेरा रोड पे चले जाओ, क्योंकि कल ही एक टैंक गया था और वो वहीं गया था। तो मैंने कहा भाई एक बार कंफर्म कर लो जिससे अपन वहाँ जाएँ फिर दिक्कत हो। तो उस बंदे ने भाई हमारे लिए फ़ोन भी किया, पता किया कि बोला भैया हाँ है पेट्रोल, मैंने बात कर ली है। फिर हम जेरी कैंस लेके साथ गए थे स्कॉर्पियो में, फिर वहीं के वहीं मैं आयुष अंकित चारों जेरी कैंस फुल करवा के ले आए और अपनी कल बेबी को अपन ने फुल कर दिया। बट भाई प्लीज़ राजस्थान सरकार, पेट्रोल पावर पेट्रोल के यहाँ रखो जुगाड़, हम कब कब आगरा और यूपी वाले रोड पर भाग भाग के पेट्रोल लेके आएंगे यार, थोड़ा तो करो यार हमारे लिए यार प्लीज़। इतने दिनों बाद चला रहा हूँ यार इसको, मतलब इतनी अच्छी खासी स्पीड पे, बहुत मज़ा आ रहा है, लिटरली ऐसा लग रहा है क्या हवा में बात कर रही है ये। यार लिटरली बहुत मज़ा आता है इसको चलाने के बाद, दिल करता है कि बस इसी के ऊपर ही बैठा रहूँ, कहीं हिलूँ ना, इसको ही राइड करता रहूँ ऑलवेज ऑल द टाइम। बट बॉडी को भी रेस्ट ज़रूरी होता है और जितने भी काम है सब करने पड़ते हैं यार। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सीरियसली भाई मजाक से हट के बहुत राइड करूँगा इसके ऊपर, बस थोड़ा सपोर्ट दिखाओ थोड़ा प्यार दिखाओ, पक्के से राइड बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ मैं इसके ऊपर। फिर हर दिन व्लॉग मिलेंगे आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो जितना हो सकता है मेरे भाइयों। भाई लिटरली बता रहा हूँ, जहाँ मेरे को मेरे डेस्कटॉप पे 7 से 8 घंटे लगते थे व्लॉग एडिट करने में, अब मेरे को वही मेरा टाइम मतलब इतना रिड्यूस हो चुका है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ अभी आज ही मैंने व्लॉग एडिट किया, बट वो ज़्यादा टाइम का नहीं था, वो 5.5 मिनट का व्लॉग था।
तो उसमें मेरे को मैक्स टू मैक्स 1 आवर लगा पूरा अपलोडिंग से लेके एडिटिंग का सारा कुछ। और मैक्स टू मैक्स अगर 18-20 मिनट का भी व्लॉग होता है, आई मीन 15 मिनट से भी ऊपर का होता है, तो मेरे को 3 से 4 घंटे में अब हो जाता है, मतलब मेरा हाफ टाइम रिड्यूस हो चुका है। तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आसूस के इस लैपटॉप से। और इसमें अगर टर्बो मोड लगा दिया जाए ना, सीरियसली भाई जो मज़ा देता है ये टर्बो मोड, मतलब फुल ऑन प्रॉक्सी फाइल ऐसे क्रिएट करता खट 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 खट। और भाई ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर की स्पीड जो है ना इसकी, वो बहुत अल्टीमेट है यार, मतलब बिना छट 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 चलता है भाई, मज़ा आ गया इसमें। इसको लेके मतलब मेरा ये है कि हाँ मेरा पैसा वसूल हो गया। और जिसने भी मेरा अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा, आसुस आरओ जी का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो, तो प्लीज़ उसको जाके देख लेना, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, पक्की से जाके देखना भाई। ओ टिक टिक, भाई ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा पार्क, विश्व प्रिय शास्त्रीय पार्क, वाव। और भाई ये है अपनी बर्ड सेंचुरी, वेलकम टू केलोडे नेशनल पार्क। ये आ गया भाई सारस चौराया, अमर टॉवर पेंटालून्स। भाई ये सर्किल ना बहुत गंदा है हमारे यहाँ का। ये देखो भाई बंदा अलग चल रहा है भाई, हेडफोन लगाए हुए क्या कान में, हटा दे। इसे नहीं है भाई कोई मतलब दुनियादारी से। भूसा ना भाई सब लोगों का प्यार है, ये मैंने नोटिस किया है कि भूसा है ना सबका प्यार है, भूसा के अलावा दुनिया कोई चूज करती नहीं है दूसरी चीज यार। थोड़ा लंबा राउंड मार के आते हैं यार, अभी मन नहीं भरा सीरियसली। आके मैं टी लेन पे बैठूंगा, फ्रेंड्स को फ़ोन कर दूंगा कि भाई यहीं आ जाओ, यहीं बैठते हैं थोड़ी देर। ये भाई अपना आगरा रोड है, यहाँ से फतेहपुर ज़्यादा दूर नहीं है, 18-20 किलोमीटर बैठता है, बट सीरियसली लोकेशन बहुत अमेजिंग है, मन नहीं करता वहाँ से वापस आने का। बट यहाँ कोई डाउट नहीं है कि भाई हमारे पास में है, और बोलते हैं ना भाई कि मतलब पास में कोई चीज़ होती है ना तो खुद का नहीं मन करता वहाँ जाने का, बट बाहर से दुनिया देखने के लिए आती है यार। चाहे आप कहीं पर के भी हो, आपके आसपास की कोई अच्छी लोकेशन होगी जो दुनिया बाहर से बहुत प्रेफर करती है वहाँ आना, बट अपन लोगों को वो लोकेशन समझ नहीं आती। बट मेरे को भाई ये फतेहपुर वाली लोकेशन समझ आती है, बहुत अमेजिंग लोकेशन है यार। अरे भाई कहीं से भी कूद जाते हैं, इसलिए मन नहीं करता, मन करता है भगाने का, बट क्या करूँ रुकना पड़ता है। सुपर अमेजिंग यार, इसको भगाने का अलग ही मजा है भाई, अलग लेवल। 200 तो ऐसी जाती है यार, मतलब अमेजिंग। तो यहाँ से भाई मारते हैं यू टर्न, अमेजिंग व्हीली भाई, इनसेन इनसेन। भाई क्या व्हीली थी यार, इसे फील नहीं होने दिया, एक पॉपअप मारा उसके बाद शू चलती रही। ओ भाई क्या अमेजिंग मशीन है यार, मतलब लव यू बेबी लव यू। मैं भाई व्हीली वगैरह मारता नहीं हूँ, बट कभी कभी इसमें पॉपअप लगता है और बहुत अल्टीमेट वाला लगता है, फिर मतलब जाती है अच्छे वाली। मतलब यार थर्ड गियर तक गई थी शू, एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता 90 डिग्री, बट एटलीस्ट वो थी 70 डिग्री के अराउंड। क्या अमेजिंग मशीन है यार, लव यू माय बेबी लव यू। पिकअप के मामले में ना भाई रॉकेट है, टून टून टून। ओ भाई क्या चीज बनाई है यार सुजुकी वालों, लव यू भाइयों, क्या चीज बना के दी है भाई, मतलब बहुत अमेजिंग फील देती है यार मेरे को यार ये। अभी रुकते हैं टी लैंड, वहाँ पियेंगे भाई कॉफ़ी शॉफ़ी, वहीं अपने फ्रेंडों को बुला लूँगा, आ जाओ जी वहीं बैठते हैं थोड़ी देर। 120 140 150 तो भाई से पता ही नहीं लगता, फील देती नहीं है कि चल रही हूँ नहीं चल रही। तो ये लो जी टी लैंड आ ही गया आखिर, यहीं कहीं बाइक पार्क करनी पड़ेगी आराम से अपने को, फिर पियेंगे अंदर की तरफ लगाते हैं ना, क्या दिक्कत क्या है।
यहाँ अपनी बाइक पार्क कर दी है जी, अब बैठेंगे अंदर थोड़ी देर। हाय, तो चलो जी अब हो गया है चलने का टाइम। यहाँ से कॉफ़ी पी, मस्का बन खाया, मज़ा सा आ गया, थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल गई बॉडी को। अभी रास्ते में कुछ करनी है आपसे बातें, पहले यहाँ से निकलते हैं फिर आपसे करेंगे कुछ बात, कुछ बताना है भाई। बात ये करनी थी, जैसे ही मैं यहाँ के रुका तो एक दीदी थी, दो दीदी थी, मेरे को जानती थी बट मैं उनको अभी तक नहीं जानता था, बट अब मैं उनको जान गया हूँ। तो वो आई, वो मेरे पास, मेरे को बताया कि अब साहिल हो रही है, और वो लिटरली मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी छोटी सी फैमिली है बट मेरे को जानते तो हैं कम से कम। मेरी यूट्यूब की फैमिली जब बहुत छोटी है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, अभी स्टार्टिंग है मेरी, बट लिटरली बहुत खुशी हुई कि वो मेरे को जानते थे। उन्होंने मेरे साथ फ़ोटोज़ वगैरह करवाई, बहुत अच्छा फील आया, मतलब अलग लेवल का फील आया भाई। अगर दीदी ये व्लॉग देख रहे हो तो मैं आपको विश करना भूल गया, हैप्पी रक्षाबंधन। बट सीरियसली वो जो फील था ना उस टाइम, वो बहुत अमेजिंग वाला फील था, मतलब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ मुझे खुद से नहीं पता, बट बहुत अच्छा मुझे लगा वहाँ पर भाई। यहाँ से स्टार्ट होता है अपना सारस से सिटी के लिए। ये भाई रोड हो गया है अभी बहुत ज़्यादा खराब। मैं टाइम से इसलिए कर जा रहा हूँ भाई, मेरा ना एक्चुअली ब्लैक वाइजर है तो अपने को दिक्कत हो उससे पहले अपन घर पहुँच जाए तो ज़्यादा बेटर है। भाई मार्केट में तो होगी भीड़, तो बाहर से ही चलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। शायद से अपन कल जा सकते हैं एक मूवी देखने के लिए, बैल बॉटम, मैं और मेरे दोनों फ्रेंड्स। आज जाने का सीन था बट आयुष की यार पता नहीं क्या एकदम से तबीयत ख़राब हो गई है, बट होप करता हूँ वो कल तक ठीक हो जाए। अगर कल ठीक हो जाएगा तो साथ में ही निकलेंगे अपन मूवी देखने के लिए, बैल बॉटम। सुनने में आया काफ़ी अच्छी बता रहे हैं मूवी को। अरे भाई खाया पिया क्या करके, लखन नहीं है इस बंदे में 1% चलाने के। भाई इनको देता कौन है बाइक यार, बंदा पता ही नहीं क्या तो खा रहा है, रास्ते में थूकता हुआ चल रहा है, ऊपर से बाइक चलाने के 2 पैसे का लखन नहीं उस बंदे के अंदर। तो बस जी पहुंचने वाले अपने घर 2 मिनट के अंदर। काफ़ी मज़ा दिया मेरी बेबी आज आपने, लव यू बहुत सारा लव यू। तो फाइनली अभी पहुंच गए घर, करते हैं व्लॉग को एंड, मिलता हूँ आपसे अंदर, करते हैं कुछ बातें। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, सीरियसली बहुत स्वेटी हो चुका हूँ। अभी ना सोच रहा हूँ कि बस ऊपर जाऊँ, पहले नहा के आता हूँ, बट फिर सोचा कि पहले व्लॉग एंड कर लेते हैं देन उसके बाद चलते हैं नहाने। नहाने में मेरे को टाइम बहुत लगता है, तो कोई ना पहले व्लॉग एंड करते हैं फिर जाएंगे नहाने के लिए ऊपर। तो मुझे लगता है कि आज वाला व्लॉग तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। प्लीज़ मेरे को बताना कि आज का व्लॉग अच्छा लगा कि नहीं लगा। बट पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा उन दोनों दीदियों का जो मुझे रास्ते में मिली, मुझे बहुत स्पेशल फील कराया। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। मुझे आज लगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ सीरियसली, मतलब आपसे ना मिलके मुझे कुछ अच्छा सा फील हुआ। बट कोई नहीं, अब मैं आपसे बोल देता हूँ दीदी, बिलेटेड हैप्पी रक्षाबंधन दीदी। बट मुझे बहुत अमेजिंग वाला फील हुआ, अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे फील हुआ दीदी, थैंक्स अ लॉट। और प्लीज़ आप सब मिलते रहा करो, जो जिस जिस को भी, जो जो भी मुझे पहचान लेता है या कैसे भी है, मिल लिया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत अच्छा लगा यार, मतलब दिल से बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगा। एनीवेज अब मेरे को है ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, और सबसे बड़ी बात ना मेरे को स्वेटी हो रखा हूँ, तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा, बस मन कर रहा है ऊपर जाऊँ और जल्दी से नहा लूँ। तो व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है, होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा कि नहीं लगा पहले ये बताओ मेरे को कमेंट करके प्लीज़। तो आप मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बता देना जी कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, होप करता हूँ अच्छा ही लगा होगा आपके, आपको ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर से बताना। और जो भी मेरे इस चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाइयों, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सकता है अपने छोटे भाई को,
सपोर्ट दो। आपका छोटा भाई बहुत कुछ करेगा आपके लिए, बस थोड़ा आपके इस सपोर्ट की ज़रूरत है जो मुझे यहाँ से यहाँ कर सकता है। तो प्लीज़ से सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जितना हो सकता है। इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, तब तक के लिए चाहूँगा आपसे इजाज़त। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।